दोस्तों ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही गई होगी कि अब नेट उत्तीर्ण को नहीं देना होगा पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम। देखो अगर अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया या फिर नेट और जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ और थोड़े से कम नंबर रह गए, ज्यादा ही कम नहीं थोड़े बहुत कम नंबर भी रह गए, तब भी आपको पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आप सबको ऑलरेडी पता हो, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि कई सारे स्टूडेंट के कई प्रकार का डाउट है, इस वीडियो में मैं उन्हीं डाउट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज और कॉल के थ्रू हमसे पूछ रहे थे, इसी विषय पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर इसका एक कंटिन्यू एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना लेते हैं ताकि उन स्टूडेंट के सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाए, बार बार फिर उनका मैसेज या कॉल नहीं आए। तो यहाँ पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो तब भी इस वीडियो को जरूर देखना, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे, या कुछ हो सकता है एक दो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाए। आप पूरा वीडियो जरूर देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना। देखो एक बात बता देता हूं, जब अभी से पहले नेट का जब भी रिजल्ट आता था तो नेट के रिजल्ट में दो कैटेगरी होती थी, जिन स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे उनको जीआरएफ मिलती थी, है ना, और जिनके थोड़े कम नंबर आते थे उनको नेट मिलती है, और भी कम नंबर आते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, उनको फिर दोबारा से प्रिपरेशन करनी होती थी। अभी तक ऐसा होता था, लेकिन अब दो की जगह तीन कैटेगरी होगी। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए उनको क्या मिलेगा भाई, जीआरएफ। जिनके थोड़े से कम मार्क्स आए उनको नेट मिलेगी, और जिनके और भी कम मार्क्स आए वो ओनली पीएचडी में एडमिशन के लिए इलिजिबल होंगे। एक्चुअली क्या होता था कि पहले जब आप चाहे नेट क्वालिफाई कर लो या जीआरएफ क्वालिफाई कर लो, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था पीएचडी के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको देना पड़ता था। अगर आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी मान लो अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी यूनिवर्सिटी का, तो फिर आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिलता था, पहले ऐसा होता था। इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि आपने जैसे चार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया, तो फिर आपको चारों अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, चारों के अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट पर एक एक्स्ट्रा लोड भी यहां पर पड़ता था। लेकिन अब पूरा सिनेरियो यहां पर चेंज हो चुका है, अब आपके काफी सारा पैसा यहां पर बचने वाला है, समय भी आपका बचने वाला है, परेशान अब आपको नहीं होना पड़ेगा। अब क्या है, आपका जो नेट रिजल्ट आएगा उसमें तीन कैटेगरी होगी, जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे उनको जीआरएफ मिलेगी, जिनके थोड़े से कम नंबर आए उनको नेट मिलेगी, जिनके और भी कम नंबर आए वो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए इलिजिबल होंगे। मतलब आपका रिजल्ट जो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड रहेगा। अब देखो अगर आपने मान लो जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो उस कंडीशन में आप उस जीआरएफ के सर्टिफिकेट के थ्रू अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो पीएचडी में आपकी पीएचडी तो कंटिन्यू होगी सही, पीएचडी के दौरान आपको जीआरएफ तो मिलेगी सही, और वो सर्टिफिकेट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इलिजिबल होगा। सीधी सीधी बात है, अगर आपकी जीआरएफ क्वालिफाई हो गई तो आप उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, है ना। आपको पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिलेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम इलिजिबल होंगे। ये अभी नहीं, ये पहले भी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी और पहले ये चीज सेम थी, है ना। हाँ, पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस पहले देना पड़ता था चाहे आपके जीआरएफ हो या नहीं हो, लेकिन ये चीज सेम थी। अब बात करें दूसरी कैटेगरी के, आपके जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुए, आपके थोड़े से कम नंबर आ गए, तो आप कैटेगरी टू में चले गए। कैटेगरी टू में चले गए तो ऐसे कंडीशन में आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन लेक्चरशिप के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल होंगे। अब अगर आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो इसके थ्रू, तो ऐसे केस में पीएचडी आपकी चलेगी, लेकिन पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। हाँ, आपका सर्टिफिकेट लेक्चरशिप के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल है, मतलब नेट का फॉर्म आप एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, ये बात है। लेकिन अगर आपकी नेट भी क्वालिफाई नहीं हुई, आपके और भी कम नंबर आए, तो ऐसे केस में आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, मतलब आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आपको पीएचडी के दौरान जीआरएफ नहीं मिलेगी, और वो सर्टिफिकेट जो होगा कैटेगरी थर्ड का उसके थ्रू
आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी पीएचडी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म इसके थ्रू भर सकते हैं, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आपका खर्चा बचेगा, है ना। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। एक एक ही सर्टिफिकेट से आपका सारा काम हो जाएगा, जो नेट की प्रिपरेशन करोगे उसी से आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अब सिलेक्शन लेना थोड़ा सा इजी होगा, क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर ज्यादा क्वालिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अब पीएचडी भाई सभी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का निकलता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा चाहिए। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन अब इजीली यहां पर होगा, मतलब अब आपको प्रिपरेशन नेट की करनी ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी चाहिए। अब यहां पर देखो कुछ कंडीशन भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है, मतलब आप फर्स्ट कैटेगरी में जाते हो, तो उस कंडीशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन वहां पर अप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में आपका केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपके जेआरएफ के सर्टिफिकेट की वैल्यू 100% काउंट होगी, अब आपका केवल इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी सेकेंड या कैटेगरी थर्ड के अंदर आते हो, है ना, और अब इसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो फिर आपके सर्टिफिकेट में जो मार्क्स है नेट के सर्टिफिकेट में, उन मार्क्स का 70% काउंट किया जाएगा, उनका मतलब कुल मिलाकर उस स्कोर का एक तरह से 70% वेटेज होगा, और 30% होगा आपका इंटरव्यू का वेटेज, और 70-30 में से फिर आपके जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपकी जेआरएफ क्वालिफाई है, तो डायरेक्ट एक तरह से सर्टिफिकेट के जो मार्क्स है उनका वेटेज 100% हो गया, अब केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप कैटेगरी सेकंड या थर्ड में आते हो, तो 70% वेटेज आपके नेट के सर्टिफिकेट का रहेगा, और 30% इंटरव्यू का, उसके बेसिस पर फिर मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। एक बात और ध्यान देना, अगर आप कैटेगरी सेकंड या थर्ड की स्टूडेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब आपकी नेट क्वालिफाई होगी, 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से दोबारा आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है ना। तो 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी, मेरे हिसाब से सारे डाउट अब आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहां पर नहीं हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपकी वहां पर पूरी हेल्प करेंगे। और ये जो रूल में परिवर्तन हुआ है ना, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हो, ये सही परिवर्तन हुआ है या गलत हुआ है, आप इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आपकी थॉट भी पता चले कि आपके साथ आप सही मानते हो गलत मानते हो। अब अगर आप सीएसआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जून 2024 या दिसंबर 2024 के लिए, तो एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि जून 2024 एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, इसलिए इसकी टेस्ट सीरीज आपको मात्र 199 में प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो 199 में टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन, ध्यान देना 3000 क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर अवेलेबल है, वो एग्जैक्ट बता देता हूं 2980 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, है ना। हालांकि दिसंबर एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज है, प्राइस यहां पर देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, तो जून और दिसंबर एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा, है ना। और आप केवल वीडियो लेक्चर का कोर्स लेना चाहते हो, वीडियो देख कंप्लीट कोर्स क्या है, कंप्लीट कोर्स तो वो कोर्स है जिसके अंदर सब कुछ रहेगा, मतलब वीडियो लेक्चर्स भी, क्वेश्चन बैंक भी, टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप केवल वीडियो लेक्चर्स का कोर्स लेना चाहते हो, जिसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के इंडिविजुअल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जून और दिसंबर एग्जाम के लिए, है ना, तो ये आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल होंगे। आपको जैसे मान लो केवल किसी को ऑर्गेनिक पढ़नी है तो ऑर्गेनिक का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, किसी को केवल इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो इनऑर्गेनिक का ज्वाइन कर सकता है, फिजिकल पढ़ने तो फिजिकल का ज्वाइन कर सकता है, नाम मात्र की कॉस्ट पर यहाँ पर कोर्स हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, और बहुत इफेक्टिव कोर्स रहेंगे। आप क्वेश्चन बैंक में ले सकते हो, आपको केवल प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित क्वेश्चन बैंक चाहिए, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इंक्लूड रहे, तो आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक के लिए दिसंबर और जून एग्जाम के लिए कॉम्बो कोर्स आपको मिल जाएगा। आई थिंक यहां पर आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से यहां पर अपन देख सकते हैं, इसी तरह से यहां पर अपन देख सकते हैं, आई थिंक इसमें प्राइज में थोड़ा सा यहाँ पर कौन से एग्जाम है, ये
ये यहाँ पर हो गया वैलेटिल एग्जाम, और ये जून और ये दिसंबर है। तो यहाँ पर ये दिसंबर की प्राइस है और इसकी प्राइस इससे कम है, काफी कम है। ये थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल कोर्सेज हमने इसलिए दिए क्योंकि आप थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट में बच्चों को यहाँ पर कोर्स मिल जाए और उनकी स्टडी यहाँ पर सफर ना हो, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ये सारे के सारे केमिस्ट्री के कोर्सेज है, और भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां पर देखो पेड कोर्सेज तो है ही सही, पेड के साथ साथ वहां पर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।